हमने हमेशा ही सुना है कि पुलिस फिल्मी स्टाइल से पीछा कर गुनहगारों को पकड़ती है, किंतु कभी उस तरह का वाकया हमारे आंखों के सामने घटित नहीं हुआ जिससे फिल्मी स्टाइल वाले पुलिस की कार्रवाई पर कभी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन पुलिस के लाइव कार्रवाई का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें पुलिस किस तरह फिल्मी स्टाइल पीछा कर गुनहगार को पकड़ती है, जिसका जीता जागता वीडियो सामने आया है। क्या है पूरा वाकया और कौन है वो अधिकारी जिसने इस तरह की रोमांचक कार्रवाई को अंजाम दिया, जानने के लिए आप देखिए हमारी ये पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, बीती रात को वर्रा में एक कार्रवाई होती है जिसे यहाँ के एसडीपीओ आयुष नोपानी इन्होंने खुद लीड किया था। आपको बता दें कि आयुष नोपानी एक आईपीएस अधिकारी है। आयुष नोपानी यह वो नाम है जिन्होंने वर्रा में उस वक्त तहलका मचाया था जब रेत के घाट पूरी तरह से बंद थे, बालू माफिया यहाँ सक्रिय थे। उस दौरान आयुष नोपानी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू माफिया की कमर तोड़ डाली थी। आज फिर वही जोश वही तेवर के साथ आयुष नोपानी की धड़ाकेबाज कार्रवाई देखने को मिली है। किसी फिल्म की तरह आयुष नोपानी ने देसी पिस्टल के साथ दो जिंदा कारतूस एक कार से बरामद किया है। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है और पुलिस की लाइव कार्रवाई का दृश्य सामने आ गया है। फिल्मी स्टाइल हुई इस कार्रवाई की चर्चा पूरे जिले में जोरों पर है। हमारे पास आए इस दृश्य को आप जरा गौर से देखिए। वैसे तो सीसीटीवी में कैद यह दृश्य काफी दूर से लिया गया है, फिर भी आप साफ तौर पर देख सकते हो रोड की इस बाजू में दो लोग आपको खड़े नजर आएंगे जो पुलिस के जवान है, जो सादे कपड़ों में वहां तैनात है। वर्रा डिवीजन के एसडीपीओ आयुष नोपानी को मिली गुप्त जानकारी पर से आयुष नोपानी ने पुलिस कर्मियों को जगह जगह पर तैनात कर दिया। आयुष नोपानी खुद इस कार्रवाई को लीड कर रहे थे। रोड के दूसरी दिशा में गाड़ियों की लंबी कतार आपको नजर आएंगी, शायद जानकारी के बाद गाड़ियों की तलाशी वहां ली जा रही थी। इसी बीच ट्रक के पीछे से एक कार रफ्तार से आगे आती है जिसके पीछे कुछ लोग दौड़ते नजर आते हैं, तो आगे से खुद आयुष नोपानी उस गाड़ी को रोकते हैं। रोड के इस तरफ दो खड़े पुलिसकर्मी भी दौड़कर कार के पास आते हैं। कार को चारों दिशाओं से घेरा जाता है, गाड़ी में सवार शख्स को हिरासत में लिया जाता है, फिर शुरू होती है तलाशी। पुलिस ने पकड़ी हुई कार को रोड के साइड में खड़ा किया जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कंफर्म थी कि गाड़ी में देसी पिस्टल है, किंतु डिक्की की तलाशी में पुलिस को कुछ नहीं मिलता, तो कार के डैशबोर्ड के ड्राइवर में भी पुलिस के हाथ खाली के खाली होते हैं। लग रहा था कि पुलिस की इंफॉर्मेशन झूठे निकलेगी, किंतु जैसे ही पुलिस के जवानों ने कार के बैक सीट को उठाकर उसके नीचे तलाशी ली गई तो उसके नीचे से एक देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस पुलिस को बरामद हुए। कार्रवाई को लीड कर रहे एसडीपीओ आयुष नोपानी ने इस पूरे कार्रवाई को लेकर वर्रा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। टीम VL24 न्यूज़।